नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार समिति में और बाजार समिति में फल के व्यापारियों को बरसात के दिन में जल जमाव से छुटकारा मिला नहीं कि नगर निगम के तरफ से इनके फल के दुकानों को आज हटाया गया। क्या कुछ मामला है, इन व्यापारियों से ही जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है यहाँ व्यापारी एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ कुछ मांग कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करें। क्या कुछ? हमारा नाम अनवर हुसैन है, हमारे कंपनी का इमरान फ्रूट ट्रेडर्स नाम है, मैं लाइसेंस धारी हूँ। ये हमारा लाइसेंस है, ये देखा जाए, और ये हमारा लाइसेंस है इमरान फ्रूट 1996 का लाइसेंस है। इससे पहले भी मैंने कई एप्लीकेशन दिया है, कोई सुनवाई बाजार समिति नहीं करती है, उसको रद्द करके कूड़ा खाना में फेंक देती है। ये हाईकोर्ट में हमने रिट किया है, वहां से भी ऑर्डर आया है, और कुछ राकेश रोशन जी जो इसके पहले SDO थे, उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि आपको जगह मिलना चाहिए, उस वक्त तक आपको नहीं हटाया जाएगा जिस वक्त तक आपको जगह नहीं मिल जाए। फूट पर मैं बेच रहा हूँ, अब बताया जाए कि मैं कहाँ बेचूँ, मैं अपने घर पे जाके बेचूँ या रेलवे स्टेशन पे जाके बेचूँ या फिर आपको जो है किसी हॉस्पिटल के मैं नीचे बेचूँ अपने बाल बच्चों को। क्या सरकार हमें नौकरी दे रही है? हमारा बच्चा पढ़ा हुआ पढ़ लिखने के बाद भी सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही, तो आप बताएं कि हम क्या करें, ये तो बताएं सरकार। और उसके बाद ये लोग अतिक्रमण के नाम पे आते हैं, डंडा लाठी चलाते हैं, कहते ऊपर से ऑर्डर आया। हमने पूछते हैं कि क्या इनका कोर्ट का आदेश है? कोई कोर्ट ने कहा है कि जो ना गरीबों को हटा दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर गरीब को क्यों रखे? हमें अमीरों को रखे, गरीबों को हटा दे? ये इस तरीके से व्यवहार यहाँ पे होता है। अब कौन करते हैं, ऊपर वाले करते हैं, नीचे वाले करते हैं? यहाँ तो लोग कहते हैं खाली ऊपर वाले। ऊपर वाले कौन है? भगवान तो है नहीं, नीचे ही वाले लोग करते हैं। वो जो हमारे ऊपर होंगे वही लोग करते हैं जो नहीं चाहते हैं हम लोगों को। तो आखिर हम जाएं कहाँ? किसी का दुकान है, गद्दी है, तो 40 फीट जगह है, 40 फीट ट्रक लगाने का, 80 फीट जगह है, हम 4 फीट जगह पे आपको बेच रहे हैं, 5 फीट जगह पे। तो इतनी अन्याय हम कर रहे हैं, कहाँ अन्याय कर रहे हैं? गद्दी नगर निगम से नाराजगी किस बात की? नगर निगम से नहीं, नगर निगम के नाम पे नगर निगम के लोग आते हैं, कहते हैं हमें ऑर्डर है, तो किसका ऑर्डर है ये तो बताया जाए। नहीं हटाइएगा लाठी चलाएंगे, नहीं हटाइएगा फाइन करेंगे 10,000, नहीं कीजिएगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, या धमकी दे करके एट अ टाइम आते किसी टाइम आकर करके, और इस तरीके से मतलब कि तहस नहस कर देते हैं। काफी माल वगैरह रखा हुआ हम लोग का, सब बहुत सी लोगों का सब बर्बाद हो गया, नोच के ले गए, उठा के ले गए, कोई फेंक दिया, कोई चाप दिया, कुछ कर दिया, क्या किया जाए? हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग ईटा पत्थर तो चला नहीं सकते, लड़ नहीं सकते हैं, कहेंगे आप ही कहेंगे कि विवादी आदमी है। एक धंधा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तरीके से अपना हक मांग रहा हूँ, उसके बाद भी हमारे साथ, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमारा है, इनका है, इनका है, इनका है, सभी लोग ऐसे लोग करीब यहाँ बेचने वाले 500 लोग हैं, 500 लोग हैं यहाँ बेचने वाले, जो लाइसेंसधारी और अनलाइसेंसधारी सब मिला के 1,000 लोग हैं, लेकिन 500 लाइसेंसधारी 400 हैं अभी जो जिनको जगह नहीं मिला है, जो बेकार पड़े हुए हैं। 500 में जो बहुत सी लोग हैं, जो 100 लाइसेंसधारी 50 लाइसेंसधारी जिनका रनिंग काम चल रहा, जो यहाँ के बड़े बड़े आड़ती हैं, बहुत से लोग जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका काम क्या चल रहा? तो वो लोग तो दूसरा कोई काम चला रहे हैं। चलिए, दुकान का लाइसेंस रहने के बावजूद नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के नाम पे दुकान हटा? नहीं ना, मेरा करीब 30 वर्ष से यहाँ हम फल बेच रहे हैं, मेरा शंभू कुमार चौधरी नाम हुआ। हम चाहते हैं कि जब न तब नगर निगम के आके धमकी दे के हटा देता हम लोग का, बहुत तबाह किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि किसी अस्थायी हम लोग का दुकान दे दिया जाए, ताकि मैंने कि हम लोग किसी तरह से बाल बच्चा का पालन पोषण करें। जब न तब हम लोग का चल जाते हैं, कोई काम से आके तलक आता है, सब तोड़ फोड़ तहस तहस करके सब दुकान लेके चल जाता है। इसलिए हम लोग नगर निगम से या जो भी है, SDM है या DM है, जो भी है, उनसे हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग का दुकान दिया जाए, सही जगह पर दिया जाए, ताकि हम लोग बीच ही नहीं कि हम लोग को कोली में जाके दे दे तो हम लोग कोली में चल जाएंगे, कोली में नहीं जा पाएंगे। इसलिए कृपया करके हम लोग का किसी हालत में जिनसे हो हम लोग को दुकान दिया जाए। जाने के लिए आप तैयार? जाने के दुकान मिलेगा तब हटेंगे, हम लोग ऐसे हटने वाला नहीं। इस बात को मान रहे हैं कि हम अतिक्रमण किए? अतिक्रमण किए हुए नहीं, हम लोग का आदेश कोर्ट से हुआ तब की लगा, आप लोग का जब तक दुकान नहीं मिलता जब तक आप वहाँ लगाइए, तो साइड में हम लोग लगाए, हम लोग साइड में लगा हुए, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग बड़े बड़े लोग बोल ऑर्डर है तब हम आए, तब आए। आज भी नोक झोंक हो गया, जो बोले कि मजिस्ट्रेट बन का है, उनको हमने ऑर्डर देखा, ऑर्डर दिखाए, हाईकोर्ट का कागज दिखाए, तो चुप हो गए, फिर चले गए, तो ठीक ना है। जब न तब हम लोग करीब करीब 50 को नोटिस दे चुके हैं, SDO का, DM का, कॉर्पोरेशन का, चेयरमैन का, हम लोग सब दे चुके हैं वकील के माध्यम से। बाजार समिति में अतिक्रमण कहाँ है सर? ये आगे गेट लगी हुई है, गेट के अंदर हाईवे रोड तो है नहीं ना सर, आखिर गेट क्यों लगाया गया? अभी उसमें फिर शटल लगेगा, गेट लगेगा, लॉक होगा,
तो फिर बाजार समिति में कहाँ अतिक्रमण किसको बोलते हैं सर, गलत है ना? जो बाधा मिल रहा है, ये जो पानी जल जमाव है, इससे दिक्कत नगर निगम को नहीं है? नहीं, उससे नहीं है। रोड पे जो गाड़ी जाम हो रही, ट्रैफिक, उससे उसको तकलीफ नहीं हो रही है, यहाँ उनको तकलीफ हो रही है। तो अब कौन करवा रहे हैं? ऊपर वाले करवा रहे हैं, नीचे वाले करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? तो ऊपर वाला ही जाने, भगवान जाने, यही लोग जानते हैं। अब इन लोग जवाब देंगे कोर्ट में। आगे क्या? आगे तो हम लोग चल रहे हैं कोर्ट के प्रक्रिया में, चल रहे हैं। फिर अगर नहीं मानेंगे तो हमारे जैसे 100 लोग फिर कोर्ट दौड़ेंगे, फिर कोर्ट दौड़ेंगे, थाना पुलिस तो दौड़ेंगे नहीं, कोर्ट ही दौड़ेंगे। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमारी हुआ। कितना दिन से आप? 15 साल से करीब में। हम लोग का माँ का कभी उम्र मतलब डेट भी कर गई है बेसिक। अब तो बहुत परेशानी होता है, मतलब चार को करेट, चार को टोकरी भी लगाने नहीं देता, कहता है रोड पर है हटाओ, गाड़ी वगैरह आता है चहर जाता है। फिर भी किसी भी तरह से अपने गुजर बाल बच्चा को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आया है। ठेला उला उठा के काटा उठा था सब लेके चले, रोकते रोकते में हमको आते आते में सब माल लेकर चला गया। बोलने गए निकालने गए तो कहा कि फोटो खिंचा गया, हम नहीं निकाले, हाथ टूट देंगे, हटाओ। बदतमीजी पर पूरा उतर गया, हम लोग साइड हो गए, क्या करें? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को भी कहीं थोड़ा सा जगह मिल जाता फरियागिरी करने के लिए तो हम लोग भी बेचते। बस यही सब बात है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है, 15 साल से बेच रहे, लाइसेंस नहीं है। अब हमारी माँ बेचती थी। हम लोग बैंक से, सेंट्रल बैंक से लोन भी लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री वाला एसएमई। अरे हम लोग दूसरा लाइसेंस, हम लोग लोन भी बैंक से लिए हुए लाइसेंस पर, उस पर कारोबार कर रहे हैं। हम लोग का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, नासिक से ट्रेन में देखा जाए, ट्रेन से हम लोग रेगुलर माल मंगाते हैं। 365 दिन हम लोग काम करने वाला है, जो भी प्रूफ खोजेंगे सरकार तो हम प्रूफ देंगे। चलिए, तो एक तरफ जहाँ पटना के व्यापारी बाजार समिति से बारिश यानी जल जमाव से निपटते नहीं है, तो दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। एक तरफ जहाँ कुछ ऐसे व्यापारी है जिसके पास लाइसेंस है, तो कुछ ऐसे है जो 15 साल से व्यापार कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है। हालांकि इन लोग का नाम है कि हमें जगह है दिया जाए व्यापार करने के लिए, तब हम लोग को हटाया जाए, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पटना नगर निगम का लगातार इनके ऊपर कार्रवाई जारी है, लगातार 6-7 महीना होता है तो इनके ऊपर कार्रवाई जारी हो जाता है। देखने वाला बात रहेगा कि इन लोगों को मांगों को कहाँ तक सुना जाता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तब इस प्रकार के तमाम वीडियो से फिर से अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए मीडिया दर्शन।